भाई ऊपर से भी आप गेट का व्यू देख सकते हो। इस म्यूजियम के अंदर जो विष्णु एंड लक्ष्मी मूर्ति हमें देखने को मिली है, तो दोस्तों एक ये तोहफ़ है और इसके ऊपर जो है ये हिंदी में पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो ये सामने आपको दिख रहा है ना, जो यहाँ के बादशाह थे उमर सुमरो, वो हमारे थरपारकर से भालवा गांव से उमर मारवी थी, तो वो उठा के ये जो बोलते हैं ये है जेल यहाँ की। नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई स्वागत करता हूँ आपको आज के एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ उमरकोट में और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है उमरकोट का फोर्ट, तारीखी किला। और आज आप लोगों को इस व्लॉग में उमरकोट का फोर्ट दिखाऊंगा और इसके बारे में जो भी तफसीलात होगी वो आपको दिखाऊंगा। बने रहना वीडियो के एंड तक। चैनल पे पहली बार उनसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो और ये सामने आपको सिटी का व्यू दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भाई करीम रहा, क्या है भाई? ठीक ठाक, आप सुनाए? खैरियत है। और ये सामने किला है। तो दोस्तों ये है उमरकोट का जो किले का मेन गेट और यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखा दें। और गेट देख सकते हो इस तरह दिखने को आता है। ठीक है, पुराने ज़माने का गेट भाई, देखो किस तरह बना हुआ है। हाँ, जो काफ़ी साल से पुराना है। हाँ, पुराना कदीम है, कदीम है। हाँ, ये आप देख सकते हो यहाँ से आगे जो है सिटी स्टार्ट होता है, वहाँ पे चल के ऊपर। और वो आपको दिखाता हूँ भाई, देखो पुराने ज़माने की चीज़ें, देखो ये ईटी भी देखो। आजकल बनाते हैं तो वो भाई कुछ ही साल चलते हैं, फिर जो गिर जाते हैं। ठीक है, और ये देख सकते हो भाई कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। और ये पुराने ज़माने के किला जो है ये अंदर जीव बनी बड़ी। तो भाई अभी हम उमरकोट फोर्ट के अंदर आ चुके हैं, यहाँ से आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उमरकोट फोर्ट के बारे में। और यहाँ पे आपको जो भी इसकी तफसीलात है तारीख के बारे में वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है और इंग्लिश में, और वहाँ पे हमारी जो मदर लैंग्वेज है सिंधी उसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उमरकोट का तारीखी किला, उमरकोट का तारीखी किला यहाँ पर हुकूमत करने वाले जो भी चीज़ें लिखी हैं आप पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं रीड करके इसके किले के बारे में। तो अभी आगे चलते हैं और आपको इसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अभी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है फोर्ट और ऊपर तक चढ़ते हैं, फिर वहाँ पे आपको जो तोहफे वगैरह है वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं फोर्ट के टॉप पे और यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं जो पुराने ज़माने के तोहफे वगैरह लगे हैं वो। तो दोस्तों ये देखो आप पुराने ज़माने के तोहफे, और यहाँ पे अभी जो रश नहीं है इतने ज़्यादा, लोग नहीं आए हुए हैं। 14 अगस्त वाले दिन जो है बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं। तो सारे तोहफे वगैरह, ये टामे वाली तोहफी है, सामने लोहे वाली है। और इसके ऊपर जो है ये हिंदी में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, पुराने ज़माने का। और दूसरी ये सारी तोहफे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे तो तोहफे ही तोहफे हैं। और यहाँ से आपको सिटी का व्यू भी आप देख सकते हो। अभी हम गए थे वहाँ पे टॉप पे और वहाँ से तोहफे वगैरह दिखाई, अभी हम जा रहे हैं थर म्यूज़ियम। ठीक है, तो ये किले के अंदर है आगे वाली साइड वहाँ पे, तो वहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इससे जो भी किले में चीज़ें वगैरह निकली गई दिन, तो वो थर म्यूज़ियम के अंदर नुमाइश के लिए रखी गई है। ठीक है, अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें जो पुराने ज़माने की मिलती हैं। तो दोस्तों ये है सामने थर म्यूज़ियम, और थर म्यूज़ियम दिखाने के बाद भी आगे चलते हैं। और यहाँ पे किले की दीवार देखो कितनी ब्यूटीफुल बनी पड़ी, और वहाँ से शहर का व्यू जो अच्छा दिखता है वो चल के दिखाते हैं। तो अभी पहले से थर म्यूज़ियम बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो दोस्तों ये है थर म्यूज़ियम उमरकोट, अभी हमने यहाँ पे टिकट ली है पर पर्सन 50 रुपये। ठीक है, थर म्यूज़ियम की। और यहाँ से आपको दिखाते हैं थर म्यूज़ियम, अंदर चलते हैं। और यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ थर म्यूज़ियम उमरकोट, और अंदर चलते हैं क्या क्या चीज़ें आपको दिखने को मिलती हैं यहाँ पे। ये है थर म्यूज़ियम, और यहाँ पे भाई मेरी आवाज़ गूंज रही है, माइक नहीं लगाया हुआ है। तो ये देख सकते हो कितना जो है ब्यूटीफुल बना हुआ है, चल के आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और ये अला ताज महल, तो ये पुराने ज़माने के पुस्तक वगैरह रखे हुए हैं जो कि पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में पड़े हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो है पेंटिंग वगैरह ये लगी हुई है, तो ये शाही दरबार का मनाज़र है, तो इस तरह का पहले शायद मनाज़र था। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये पेंटिंग, और काफ़ी अच्छी पुराने ज़माने की जो है पेंटिंग वगैरह बनाई पड़ी है। शायद पुरानी है कि अभी बनाई है, बट जो मुझे तो लग रहा है शायद अभी बनाई हुई है। ठीक है, उमरकोट शाहजहां साल दिन मोहम्मद जहाँ, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पेंटिंग वगैरह बनाए नमाज के लिए रखी हुई है।
तो ये है हाथियों की लड़ाई का मनाजर, बादशाह दरबार खिड़कियों किससे नज़र कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं दूसरे रूम में, वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो भाई इस म्यूज़ियम के अंदर जो विष्णु एंड लक्ष्मी, लक्ष्मी एंड नारायण, तो उनकी भाई स्टेचू मूर्ति हमें देखने को मिली है, तो काफ़ी अच्छा लगा। इसके अंदर जो ये मुग़लों के दौर के जो हथियार वगैरह हैं वो इसके अंदर रखे गए हैं सारे। तो ये पुराने ज़माने के जैसे भाई बंदूक के हथियार कितने ख़तरनाक थे। तो दोस्तों ये है राम एंड लक्ष्मण, उनका स्टेचू है, ठीक है, राम एंड लक्ष्मण का जो है स्टेचू इस म्यूज़ियम के अंदर रखा हुआ है राम का। तो यहाँ पे हॉर्स हेड, घोड़े का सिर, घोड़े जो सिर जो कि सिंधी में लिखा हुआ है, और यहाँ पे महावीर, और यहाँ पे भी महावीर, ये स्टेचू है, ठीक है, जो भी इस किले के अंदर निकली गई थी वो है, ठीक है। और ये और यहाँ पे भी आप मुग़लों के दौर के हथियार वगैरह, तो ये पता नहीं क्या है मुझे इसके बारे में, और ये तो भाई तलवार है, मेरे को इतना तो अंदाज़ा है ये तलवार है, बाकी ये पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हो, तो ये एक पेंटिंग पड़ी है, यहाँ पे लिखा हुआ है राजा टूडर शहंशाह अकबर का वजी खजाना। यहाँ पे उमर बादशाह और ये मारवी, ठीक है, इनके स्टेचू बना हुआ है। तो ये उमर बादशाह बोल रहा है मारवी को, भाई जो ये कपड़े पहनो, ठीक है, तो ये मना कर रही है, ठीक है, वो सामने। तो ये इस तरह का ये स्टेचू है, उमर मारवी हमारे थर से थी, भालवा गांव से, और ये यहाँ के राजा थे, उमर सुमर यहाँ के बादशाह थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो नुमाइश के लिए कितनी ब्यूटीफुल सी ये बनी पड़ी है। तो दोस्तों ये हमारे थर पार करके जो भी रवायतें हैं वो दिखाई गई यहाँ पे इस किले के अंदर। तो भाई ये कितना प्यारा स्टेचू बना पड़ा है, और ये भाई चलता भी है, ठीक है, देख सकते हो आप भाई जैसे रूबरू, ठीक है, ये कुंभार है जो बर्तन बनाने वाले, यहाँ पे ये आप देख सकते हो कितने प्यारे, ये भाई लकड़ी के काम करने वाले सूत्रार। तो भाई सेम लग रहे हैं ऐसे भाई जैसे सामने भाई बैठे हैं, वाह क्या कारीगरी है। और ये जोगी, और भाई ये जो है चलता है, लाइट आज थोड़ी कम है इस वजह से चला नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे ये बिलोना झुक रही है दूध वगैरह। और दोस्तों म्यूज़ियम के अंदर और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अभी लाइट नहीं इस वजह से आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, अगले टाइम ज़रूर आपको दिखाएंगे, जैसे मेन मेन चीज़ें वो आपको मैंने दिखाई आज। तो गाइज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये पुराने ज़माने के हथियार, तोहफे वगैरह छोटी छोटी, मेन किले पे बड़ी हैं, और यहाँ पे भी म्यूज़ियम के अंदर ये भी रखी गई है। तो भाई लोगों अभी आपको मैंने थर म्यूज़ियम दिखाया, और जो भी किले में चीज़ें निकली थी तो वो सारी इस म्यूज़ियम के अंदर रखी गई है। और ये आप पार्क देख सकते हो, म्यूज़ियम में जो है पहले नहीं था, एक साल के बाद जो है ये हुआ है, पार्क भी यहाँ पे थोड़ी बहुत बनाई गई है और बैठने के लिए। भाई लोगों अभी हम जा रहे हैं दीवार वाली साइड, और वहाँ से आपको इस किले से शहर का जो भी व्यू होगा वो आपको दिखाएंगे। और आपको म्यूज़ियम तो मैंने दिखाया, और इसके अंदर भाई लक्ष्मी और विष्णु की जो मूर्ति लगी हुई थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी म्यूज़ियम के अंदर, और ये आप देख सकते हो। तो अभी दोस्तों इवनिंग का टाइम है और हम जा रहे हैं आगे, ठीक है। भाई आज जो पूरा दिन हमारी जो हालत बहुत ही बुरी हो रही है, टांगे हमारी भाई कांप रही, कांप ही रही। और यहाँ पे भाई छोटे बच्चे भाई पतंग उड़ा रहे हैं, ये अभी आगे चलते हैं, भाई सारे बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं पतंग उड़ाने में। ये है सामने सिटी, और यहाँ पे आप लोगों को हमारे आपको काफ़ी ऐसे मंदिर दिखने को मिलेंगे। तो एक तो ये, एक और सामने यहाँ पे भी है शायद, तो ये काली माता का मंदिर, वो जो है ना मंदिर कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे दिख रहा है। तो भाई ऊपर से भी आप गेट का व्यू देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है, ये सामने। तो दोस्तों ये सामने आपको दिख रहा है ना, ये पुराने ज़माने में जो यहाँ के बादशाह थे उमर सुमरो, वो हमारे थरपारकर से जो भालवा गांव से उमर मारवी थी, तो वो उठा के ये जो बोलते हैं ये है जेल यहाँ की, तो यहाँ पे उसने जो है कैद किया हुआ था। अंदर चल के आपको दिखा भी देते, बट अभी जो है इसका काम चल रहा है, ठीक है, तो बाहर से भी आप देख सकते हो। तो बोलते हैं कि जेल थी, बट मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो आप व्यू भी देख सकते हो इवनिंग का, चल रहे हैं आगे। भाई ये है शाम का वक्त, और अभी सनसेट भी हो रहा है,
तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आशा करता हूँ आपको जो है ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार उनसे निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और आपको काफ़ी कुछ स्पोर्ट के बारे में चीज़ें आपको दिखाई, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सभी भाई को जय श्री राम और गुड बाय।